परिषद की बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर विचार हुआ और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों का यूजीसी पैकेज के अनुरूप छठा पुनरीक्षित वेतनमान एवं सेवा शर्त की स्वीकृति में संशोधन के संबंध में। दूसरा प्रस्ताव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मत्स्य प्रभाग। दूसरा प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग अंतर्गत कक्षपाल संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2013 में संशोधन करते हुए झारखंड कक्षपाल संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 प्रवृत्त करने के संबंध में। तीसरा प्रस्ताव भी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली 2012 में संशोधन करते हुए झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग संशोधित नियमावली 2021 प्रवृत्त करने के संबंध में। इसमें कार्मिक विभाग द्वारा जो शैक्षणिक अनिवार्य योग्यता लागू की गई है उसे शामिल किया गया है और दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन ये है कि लिखित परीक्षा के पश्चात पहले शारीरिक परीक्षा होती थी, अब शारीरिक परीक्षा एवं चिकित्सीय जांच के पश्चात लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है। चौथा प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड राज्य अभिलेखागार संवर्ग नियमावली 2019 में संशोधन के संबंध में। ये भी अनिवार्य योग्यता 10वीं एवं 12वीं से संबंधित संशोधन है। पांचवा प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड राज्य अभिलेखागार संवर्ग के समूह ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2019 में संशोधन के संबंध में। इसमें भी 10वीं एवं 12वीं कक्षा झारखंड से उत्तीर्ण किए जाने से संबंधित शर्त जोड़ा गया है। छठा प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी से संबद्ध पारिस्थितिकी संवेदी जोन यानी कि इको सेंसिटिव जोन के आंचलिक महायोजना जोनल मास्टर प्लान का निर्माण मेसर्स एक्सेलराई जमशेदपुर से मनोनयन के आधार पर कराए जाने हेतु वित्त नियमावली के नियम 245 एवं नियम 235 को शिथिल करने के संबंध में। सातवां प्रस्ताव योजना एवं विकास विभाग से योजना एवं विकास विभाग झारखंड रांची अंतर्गत झारखंड सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2011 के संशोधन के संबंध में। आठवां प्रस्ताव वित्त विभाग से अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के पद का वेतनमान एवं ग्रेड पे का उत्क्रमण संशोधन के संबंध में। नवा प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्यांतर्गत मॉडल विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं उनमें आईसीटी लैब तथा स्मार्ट क्लास के अधिष्ठापन की स्वीकृति। इसके अंतर्गत 89 में से 84 मॉडल विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाना है और आईसीटी लैब की स्थापना होगी और इसमें कुल व्यय जो होगा वो 71,23,56,000 रुपये मात्र।
दसवां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से WPS नंबर 3027 2016 अशोक कुमार राय एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश दिनांक 17/8/2017 के आलोक में अभियंत्रण सेवा संवर्ग के विभिन्न स्तरों पर प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में। इसके तहत प्रस्ताव यह था कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 2016 की जो नियुक्ति नियमावली है उसे स्थगित रखते हुए जो पूर्व की सेवा नियुक्ति नियमावली है 1939 की, उसके तहत सभी स्तरों पर प्रोन्नति दी जाएगी। प्रोन्नति पर रोक हटने के बाद जब भी प्रोन्नति दी जाएगी तो 1939 के पॉलिसी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर अभियंत्रण सेवा संवर्ग में प्रोन्नति प्रदान की जाएगी। नहीं नहीं, ये जो अशोक कुमार राय एवं अन्य ये 2016 की जो नियुक्ति नियमावली थी उस पर जो उनकी आपत्ति थी उसके तहत 1939 ग्यारहवां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से साहिबगंज जिलांतर्गत रांगा सिमरा हिरन डुमिल श्रीरामपुर इलाकी भोरबंद सिमलधाब पथ कुल लंबाई 32.05 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए निर्माण कार्य हेतु 114,15,52,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। बारहवां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से मटकामा चौक पथ एवं कोड़ी बाजार से चिकोर भाया सुंडी लिंक पथ कुल लंबाई 25.19 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल 98,09,39,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। तेरहवां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से राजभवन रांची में माननीय राज्यपाल के कारकेड एवं राजभवन में पदस्थापित पदाधिकारियों के उपयोगार्थ नए वाहनों के क्रय हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से प्राप्त 2,93,00,000 मात्र की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। चौदहवां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक ज्ञानोदय योजनांतर्गत 58,16,00,000 रुपये मात्र की लागत से मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा एवं कंप्यूटर आधारित शिक्षा डिजिटाइजेशन ऑफ स्कूल्स की स्वीकृति। पंद्रहवां प्रस्ताव वित्त विभाग से 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड सरकार में जिला अस्पतालों के परिणामों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन के संबंध में। सोलहवां प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से आतंकवाद निरोधी दस्ता में एक संगठित अपराध कोषांग का गठन तथा आतंकवाद निरोधी दस्ता के राज्य स्तरीय थाना को झारखंड राज्य में संगठित अपराध पर नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्राधिकार प्रदान करने के संबंध में। सत्रहवां प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रति माह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन हथालन एवं वितरण कार्य हेतु संभावित व्यय राशि 1,13,40,00,000 मात्र की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। अठारहवां प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग से
एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत थोड़ा सा मैम ये रिपीट करें नहीं रिपीट पर अच्छा एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 8,857.72 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त रांची शहरी जलापूर्ति फेज टू पैकेज सी परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में 19वां प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं 1/1/2016 के पश्चात सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरक्षित वेतनमान दिनांक 1/1/2016 के प्रभाव से स्वीकृत करने के संबंध में 20वां प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से झारखंड राज्य में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी देने की स्वीकृति के संबंध में 20वां प्रस्ताव उपभोक्ता जिनके जिनका प्रति माह विद्युत खपत 400 यूनिट से अधिक है उनको कोई भी सब्सिडी नहीं दिए जाने का प्रस्ताव है और इसके तहत पूरे वर्ष में लगभग 210 करोड़ की बचत भी अनुमानित है। अनुमानित जो बचत वर्ष भर में 21वां प्रस्ताव जल संसाधन विभाग रांची से अजय बराज योजना अंतर्गत मुख्य नहर के किलोमीटर 0 से 15 किलोमीटर तक पीसीसी लाइनिंग एवं संरचनाओं के पुनरुद्धार कार्य हेतु 117 करोड़ 92 लाख मात्र के प्राकलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में 22वां प्रस्ताव जल संसाधन विभाग साहिबगंज जिला अंतर्गत गुमानी बराज योजना के निर्माण कार्य हेतु 361 करोड़ 35 लाख मात्र के पंचम पुनरीक्षित प्राकलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में 23वां प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर एसएलपी में दिनांक 2/3/2021 को पारित न्यायाधीश के अनुपालन हेतु राज्य स्कीम अंतर्गत राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा के अधिष्ठापन हेतु जैप आईटी से प्राप्त विस्तृत कार्य योजना के आधार पर वर्तमान में 334 पुलिस थानों में कुल 5,310 सीसीटीवी कैमरा के अधिष्ठापन हेतु 78,08,63,894 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में हाँ ये है 334 पुलिस थानों में 5,310 सीसीटीवी कैमरा के अधिष्ठापन हेतु 78,08,63,894 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति 24वां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दिनांक
29/6/2018 एवं दिनांक 20/11/21 को पारित आदेश के आलोक में दिए गए न्याय निर्णय के अनुपालनार्थ झारखंड भवन नई दिल्ली में संविदा आधारित पद के विरुद्ध कार्यरत संविदा कर्मी श्री राजनाथ यादव की सेवा नियमित करने के संबंध में। पच्चीसवां प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक को यूजीसी प्रावधान के अंतर्गत छठा पुनरीक्षित वेतनमान में पीएचडी एमफिल उपाधि की प्राप्ति के फलस्वरूप वित्तीय लाभ प्रदान करने के संबंध में। छब्बीसवां प्रस्ताव राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को 7th CPC के अंतर्गत 7वां पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन पारिवारिक पेंशन का लाभ दिनांक 1/4/2021 से स्वीकृत करने के संबंध में। 27वां प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के आस्तियों दायित्वों एवं कर्मियों के विभाजन के संबंध में। इसमें कॉरपोरेशन तो हम लोगों का ऑपरेशन में है, क्रियाशील है, लेकिन जिस तरह से बंटवारा हुआ है उसको फॉर्मलाइज किया गया है और उसमें जो मुख्य बिंदु हैं कर्मियों के विभाजन की नीति है कि कर्मियों का विभाजन दिनांक 1/4/2002 को कर्मियों के वास्तविक पदस्थापन स्थिति के आधार पर किया जाएगा और आस्तियों एवं दायित्वों का बंटवारा बिहार एवं झारखंड के वन निगमों के बीच 25:75 के अनुपात में किया जाएगा। 28वां प्रस्ताव वित्त विभाग से झारखंड इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2021-22 को विधानसभा के पटल पर रखने के संबंध में। 29वां प्रस्ताव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का मॉडल अधिनियम प्रारूप के अनुसार कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम प्रारूप 2017 को कतिपय संशोधन के साथ अंगीकृत करते हुए झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 की स्वीकृति के संबंध में। 9वां झारखंड स्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2022। 30वां प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से झारखंड राज्य सोलर पॉलिसी 2022 की स्वीकृति के संबंध में। 30वां मुख्य रूप से जो नई सौर ऊर्जा नीति का प्रारूप तैयार किया गया है उसमें अगले 5 वर्षों में राज्य में समेकित रूप से लगभग 4000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा के अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया है। सोलार पार्क इत्यादि स्थापना के लिए इंसेंटिव्स और सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। स्टैंप ड्यूटी में 100% एग्जेम्पशन है। कन्वर्शन चार्जेस का वेवर है।
और दूसरे इंसेंटिव्स हैं, और इंडिविजुअल्स के लिए जो रूफटॉप सोलर पॉलिसी है उसके अंतर्गत 3 किलोवाट तक स्थापित करने के लिए, रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने पर 60% की सब्सिडी यदि एनुअल इनकम 3 लाख से कम है, और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की स्थापना के लिए 80% सब्सिडी यदि एनुअल इनकम 3 लाख से कम है। सोलर एग्रीकल्चर के लिए 30% का स्टेट सब्सिडी। इसके अलावा और भी इंसेंटिव्स और सब्सिडीज हैं विस्तार से। प्रस्ताव संख्या 31 खान एवं भूतत्व विभाग से झारखंड अन्वेषण एवं खनन निगम लिमिटेड, झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड JEMCL की हिस्सा पूंजी शेयर कैपिटल 1000 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इस राशि की निकासी एवं संधारण हेतु झारखंड कोषागार संहिता 2016 के नियम 261B को शिथिल करने की स्वीकृति के संबंध में। 32वां प्रस्ताव राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के लिए प्रस्तावित तिथियों के अनुमोदन के संबंध में। डिटेल्स अभी बताया नहीं जा सकता। 33वां प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग से अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र में संशोधन करने के संबंध में। इसके तहत निर्णय लिया गया है कि जो भारत सरकार के द्वारा जो प्रारूप है उसी को हूबहू अंगीकृत किया जाए। चौंतीसवां प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार हेतु विधेयक 2022। राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार हेतु विधायक 2022, और अंग्रेजी में झारखंड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स प्रोमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू द पोस्ट्स इन द स्टेट सर्विसेज बिल 2022। मुख्य रूप से इसका जो प्रावधान है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कोटि के सरकारी सेवक जो पदोन्नति में आरक्षण नीति के अनुरूप प्रोन्नत हुए हों वे परिणामी वरीयता यानी कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के हकदार होंगे। पदोन्नत ग्रेड में वरीयता का निर्धारण कोटि को ध्यान में लाए बिना किसी ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर किया जाएगा। पैंतीसवां प्रस्ताव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची के शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति प्रोन्नति संविदा के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधान लागू करने के संबंध में। इसमें यह निर्णय हुआ है कि जो अधिसूचना संख्या 1869 14/10/2015 निर्गत थी उसे विलोपित किया जाए और वर्तमान रिक्तियों के लिए वर्तमान में प्रभावी आरक्षण प्रावधान को लागू किया जाए, और इसके बाद भी यदि वैकेंसी रह जाती है तो इसके लिए प्रशासनिक विभाग
अलग से प्रस्ताव गठित करेगा। धन्यवाद।